नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको सुना रही हूँ पापा कुंसा एकादशी महात्म्य व्रत कथा। जरूर सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, हरिओम हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करना चाहिए इस दिन। जिस दिन एकादशी का व्रत होता है उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। और पहले तो सभी को एकादशी व्रत करना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो व्रत कथा किसी न किसी माध्यम से जरूर सुने। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं आपको सुना रही हूँ व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हे राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुंसा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री हरि श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान जी की शरण में जाता है उसे यम यातना नहीं मिलती है, उसे यम यातना नहीं मिलती है। बोलो श्री हरि श्री हरि। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान जी की निंदा करते हैं वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राज सूर्य यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। बोलो श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वास्थ्य शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन में रात्रि को जागरण करते हैं उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है, बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके मातृ पक्ष के 10, पितृ पक्ष के 10 और स्त्री पक्ष के 10 सदस्य विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि गौ अन्न जल उपानय वस्त्र छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्र मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ समय अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब बगीचा धर्मशाला प्याऊ अन्य क्षेत्र आदि बनवाते हैं उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। वे इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोकर अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। बोलो श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे श्री राधे, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा।